हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 18 की फर्स्ट शिफ्ट वाले और 19 की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे बहुत परेशान हैं कि उनके साथ ये क्या हुआ है और क्या उनके साथ हो सकता है, एग्जाम दोबारा होगा या नहीं होगा। मैं पूरी संभावनाएं तलाशने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आप पूरी पूरी उम्मीद पूरा मन लगा के देखिएगा, आपको पूरी तरह संतुष्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, 18 की फर्स्ट शिफ्ट और 18 की सेकेंड शिफ्ट में आपको ध्यान होगा, जिन बच्चों हर शिफ्ट में 24-24 बुकलेट सीरीज बनी थी, ठीक है, तो 24 बुकलेट सीरीज हर पेपर की थी, हर शिफ्ट के पेपर की थी। तो आप ये देखिए कि फर्स्ट शिफ्ट में 1 से 24 तक थी, सेकंड शिफ्ट में जिनका भी पेपर हुआ था 25 से 48 थी, जिनके साथ गड़बड़ हुई है उनको छोड़ करके, बाकी सबकी यही थी। गड़बड़ वालों पे अभी आ रहा हूं। 19 की फर्स्ट शिफ्ट में सबके बीच सबके पास यही रही होंगी बुकलेट सीरीज, और 19 की सेकेंड शिफ्ट में यही बुकलेट सीरीज रही होंगी, उम्मीद करता हूं सभी पे, ठीक है। तो ये बुकलेट सीरीज इन्होंने ऐसे ऐसे बांट रखी थी, एक टोटल 96 हो गई, 4 शिफ्ट 24 चौके 96। तो अब हुआ क्या, इन्होंने जो बोर्ड ने माना है, अपने प्रेस नोट में दिया है इन्होंने कि ये जो 18 की फर्स्ट शिफ्ट थी, इसमें जैसे ये 26 बुकलेट सीरीज कौन से आएगी, 26 सेकंड में आएगी, या किसी के पास 38 है कौन से आएगी, सेकंड में आएगी, तो कुछ 26 मिल गई, किसी को 38 मिल गई, तो ऐसे एक एक सेंटर पे ऐसा हो गया। और उन्होंने माना ये सेंटर पे हुआ है इलाहाबाद सेंटर पे, उन्होंने फाइंड आउट किया। तो इलाहाबाद सेंटर पे ऐसे फर्स्ट शिफ्ट में कुछ बच्चों को ऐसे बुकलेट सीरीज मिल गई, 26वीं 38वीं, तो उस पूरे सेंटर पे ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट का पेपर मिल गया, अब सेकंड का तो 4 घंटे बाद होना था पेपर, अब 4 घंटे पहले ही ये आउट हो गया है, 3-4 घंटे पहले, तो ये पेपर आउट ही माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, बहुत बच्चे कह रहे हैं जी आप तो कह रहे थे पेपर कैंसिल नहीं होगा, फिर ये कैसे कैंसिल हो गया। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम पे इंफॉर्मेशन थी, जो सबूत थे, सब कुछ यही कह रहे थे कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेकंड में बटा है, फर्स्ट का पेपर सेकंड में बटा है। लेकिन यहां कुछ जो बोर्ड ने निकाला है कि 2 सेंटरों पे ऐसा भी हुआ है कि सेकंड का पेपर फर्स्ट में बट गया है। देखिए, अगर फर्स्ट का पेपर सेकंड में बटा है, मान लो सुबह 10 बजे का पेपर शाम को 2 बजे बटता है, बच्चों ने तो ये 10 बजे दे लिया और दो बजे फिर ये पेपर बटता है, तो ये आउट थोड़ी है, ये तो हुआ है पेपर है, ये बच्चे फायदा जरूर उठा लेंगे उसका जो दोबारा कर रहे हैं इसको। समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल। और जो फर्स्ट शिफ्ट में अगर सेकंड का ही मिल जाए और फिर वो सेकंड वालों को फिर से मिले, तो भाई देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का जो दे के निकलते हैं तो सेकंड वाले बच्चे टूट के पड़ते हैं, दिखाना भाई पेपर कैसे आया। तो वो जो पेपर है, तो कुछ बच्चों पे जो सेकंड का था और इनका फिर सेकंड में होने ही वाला है, तो ये जो मान लीजिए कितने 100 बच्चे हो, 200 बच्चे हो, इन लोगों का जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का जिनको मिल गया था, जो भी पूरे सेंटर पे थे, तो इन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों में बांट दिया हो। तो इसलिए मानता है बोर्ड कि भाई ये तो पेपर आउट हुआ, इसलिए हम सेकंड शिफ्ट को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं, सेकंड शिफ्ट। और दोनों ही पालियों में ऐसा हुआ, यहां इलाहाबाद में हुआ 19 को, ये चीज एटा में हुई जाकर के सेम चीज, ठीक है। फिर बोर्ड ने यह भी बोला है कि ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट का पेपर बट गया है, जिन सेंटरों पे ऐसा हुआ था ना, इलाहाबाद सेंटर पे सेकंड का तो फर्स्ट में बांट दिया, और फर्स्ट का जो पेपर बच रहे थे भाई बुकलेट तो सबकी समान आई थी, वो फिर सेकंड में बांट दिए। अब ये सेकंड वाले तो फर्स्ट का पेपर बहुत बच्चे देख के आए थे, तो उनको तो विशेष फायदा हो जाएगा, तो स्पेसिफिक इन सेंटरों के लिए हो सकता है वो फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल करते, ठीक है। लेकिन सभी का कैंसिल करें इसका औचित्य नहीं बनता, वो क्योंकि कह रहे हैं कि हमने फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि हम शिफ्ट वाइज कॉपी चेक कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो शिफ्ट वाइज ही कॉपी चेक होंगी, और शिफ्ट वाइज होंगी तो वो देख लेंगे 1 से 24 तक की जो बुकलेट सीरीज है, इनसे अलग जिनकी भी है तो उन पे गलत पेपर आया है। 25 से 48 तक सेकंड शिफ्ट वालों पे होनी चाहिए, अगर ये सीरीज किसी के पास नहीं है तो उनके पास गलत पेपर आया है। तो ऐसे उन्होंने फाइंड आउट कर लिया है दोनों सेंटरों को, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना लॉजिक लगाया है दोनों ही शिफ्टों में। तो मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो बोर्ड ने रिएक्शन था वो बोर्ड का यही था कि कोर्ट में तो केस डला है पर उसका कोई हम पे असर नहीं है किसी भी तरह का,
ठीक है, हम पे कोई उसका उस बात का जरा सा भी लेस मात्र असर नहीं है, लेकिन हमने जब स्कैनिंग कर रहे थे कॉपियों की, साफ लिखा है उन्होंने अपने नोट में, जब हम कॉपियों का स्कैन कर लिया हमने, तो हमने पाया कि दो सेंटरों पे तो गड़बड़ है पूरी तरह से, जिनपे जिन्होंने सेकंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट में बांट दिया, फर्स्ट का सेकंड में, लेकिन फर्स्ट का अगर सेकंड में बटा है तो फर्स्ट का पेपर आउट नहीं है, ठीक है। लेकिन यह जरूर है कि इनको जिनका वो गलत बटा है जिनके पास, तो बोर्ड अपनी दलील देगा कोर्ट को 21 तारीख के जो हेयरिंग है उसमें। हमारा और सिर्फ सबका उद्देश्य यही होगा कि 18 की फर्स्ट शिफ्ट भी कैंसिल करो भाई, अब ये तो है नहीं पूरा पेपर कैंसिल करो, अब तो ये है कि 18 की फर्स्ट और 19 की फर्स्ट भी कैंसिल करो, हमारा तो अब सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन बोर्ड अब ये दलील दे सकता है कि भाई हमारा सिर्फ दो सेंटरों पे गड़बड़ है, और कोर्ट भी ये ऑर्डर मानेगा, क्योंकि देखिए सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है एक पेपर में, और जो 18 के फर्स्ट शिफ्ट या 19 की फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो भाई अगर जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सोच रहे होगे सेकंड शिफ्ट वाले बहुत अच्छा पेपर कराएंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका ये अपने ही पेपर में असर डालेंगे, आपके में कोई असर नहीं डालने वाले। नॉर्मलाइजेशन में मैंने पूरा प्रोसेस समझाया पिछले वीडियो में, चाहे आप देख लेना, प्रेस नोट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको पढ़ना है ढंग से पढ़ लेना उसको, ठीक है। तो कोर्ट के प्रेशर में नहीं था ये जो उन्होंने फैसला किया है ये स्कैनिंग का, ये पता है इनको कि कोर्ट का केस डल चुका है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने ये खुद फाइंड आउट किया जब हम कॉपी चेक कर रहे हैं, स्कैनिंग मतलब कॉपी चेकिंग चल रही है, ठीक है। तो अब जो री एग्जाम होगा, देखिए अब आप कहेंगे जी कितने परसेंट चांसेस है 18 और 19 के, देखिए मुझे जो लगता है सिर्फ और सिर्फ 25% चांसेस है, हालांकि मैं पूरी तरह से फेवर में हूं कि ये कैंसिल हो, पर फिर भी मुझे यही लग रहा है कि 25% चांस है सिर्फ कैंसिल होने के, ठीक है। बाकी यही सच्चाई है, चाहे आप कुछ भी कहिए, कुछ भी आप सुनिए, पर मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की, अगर आपको समझ आ रही होगी तो आप बात को पकड़ जाओगे, ठीक है। और री एग्जाम एक्सपेक्टेड अक्टूबर में ही उम्मीद है दोस्तों, पूरी पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा, अक्टूबर से पहले होने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो ये आप इतना यकीन कर लीजिए मेरे ऊपर। अब सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मुझे आपको देनी थी, अपडेट गोप्स इंडिया ऐप, दोस्तों एक गोप्स इंडिया ऐप के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, क्योंकि ये आपके काम का ऐप है, जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं इस ऐप पर अपडेट रहती हैं, आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब छूटेगी नहीं, क्योंकि इस पर सबकी जानकारी है, ठीक है। और सबसे अच्छा ऐप ये करंट अफेयर्स के लिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आप करंट अफेयर्स के टच में रहना चाहते हैं तो आप इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको एक दिन भी न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ोगे बहुत फालतू की खबर पढ़ोगे, 5-6 ही होती है काम की, और ये 5-6 ही देता है बस पूरे दिन की करंट अफेयर्स के लिए। और इसने अपडेट क्यों करवा रहा हूं मैं, क्योंकि इन्होंने एक नया फीचर्स ऐड किया है कि जितनी भी ये खबर देते हैं 5-6 अपडेट, तो पूरी बहुत सारी बड़ी उसमें न्यूज रखते हैं, लेकिन उसमें अब ये उन क्वेश्चनों को अंडरलाइन करना इन्होंने शुरू कर दिया अपडेशन में, कि भाई जो क्वेश्चन बनेंगे इस करंट अफेयर्स से, मतलब जो भी न्यूज आएगी उसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेगा वो छांट करके इन्होंने आपको अंडरलाइन कर रखे हैं अपडेट करने पर, आप देखेंगे, ठीक है। तो अपडेट कैसे करेंगे, प्ले स्टोर में जाना, वहां पे गो अप्स इंडिया ऐसे ही लिखना, गो अप्स इंडिया बगैर स्पेस के, गो अप्स इंडिया जब आप लिखेंगे तो बिल्कुल शो हो जाएगा आपको उसका साइन, उस पर देखिए एक तरफ अनइंस्टॉल आ रहा होगा और एक तरफ अपडेट आ रहा होगा, तो आप उसको अपडेट मार दीजिए, बिल्कुल इतना काम कर लीजिए, आपका फिर करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं रहेगी आपको बिल्कुल भी, अभी से लग जाइएगा, और डेली का एक नोट्स बना लीजिए इसके, ठीक है, काम आएगी आपको। प्रिपरेशन और शेड्यूल ऑफ री एग्जाम, देखिए अब हमें प्रिपरेशन शेड्यूल देखना है, हमें तैयारी कैसे करनी है, जो बच्चे जिनका कैंसिल हो गया उनका तो अच्छी बात है, 25% चांस उनके भी हैं, 18 की फर्स्ट और 19 की फर्स्ट वाले हो गए, तो वो भी शेड्यूल को ध्यान से सुन लीजिए। वैसे 21 के बाद बहुत पिक्चर साफ होने वाली है कि क्या होने वाला है, पर अभी एक आध हियरिंग और भी लग सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में दोस्तों क्योंकि हमने पहले पढ़ रखी है, सबकी वीडियो डली हुई है, लेकिन मैं सब पर एक एक वीडियो और बनाऊंगा सभी टॉपिक्स पर, और उसमें यूपी पुलिस में जो भी क्वेश्चंस आए हैं हिंदी में वो सारे क्वेश्चन कवर करूंगा, और जो अब क्वेश्चन और बन सकते हैं हर वीडियो में हर टॉपिक पर मैं ये बताऊंगा ये क्वेश्चन अब आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो क्योंकि हिंदी को अभी वो और टाइट कर सकते हैं थोड़ा सा,
पेपर को थोड़ा सा हार्ड तो आएगा पहले से, इतना तो आप मान करके चलिएगा, ठीक है। उससे ज्यादा आप तैयारी बढ़ा लो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पेपर कितना भी हार्ड आ जाओ कोई समस्या नहीं है। बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग पे आ रहा हूं दोस्तों। रीजनिंग में देखिए फिगर मैंने नहीं कराई है आपको, नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, जैसे पेपर कटिंग वगैरह या जल दर्पण, ये सब नहीं कराया। मैं कराऊंगा आपको इसको, इस बार कराऊंगा, चिंता मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है। एक कथन और पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष मैंने करवा रखे हैं, लेकिन पूर्व धारणाएं बहुत आई थी हर पेपर में, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन थे, तो वो सबसे पहला टारगेट मेरा वही होगा रीजनिंग में, उनको मैं आपको ढंग से समझा दूंगा ताकि इस बार गलत ना हो एक भी, ठीक है। और जीके और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता चुका हूं, इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं है, गो ऑप्स इंडिया ऐप डाउनलोड कर लो, और बाकी कुछ पढ़ना है तो पीछे का पढ़ लेना, 5-6 महीने तक का करंट सफिशियंट होगा, बहुत पुराना नहीं पूछ रहे, ठीक है। और जीके के लिए देखिए दोस्तों, आपको कितनी भी आपने पढ़ी थी, लेकिन इस बार यूपी पुलिस ने सब कुछ फेल कर दिया था, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा गौर से इसको, बहुत ज्यादा टाइम मत देना जीके को, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ल्यूसेंट की एक बुक आती है जीके की, वो पढ़ लो, अगर मिलेगा तो उससे मिलेगा, नहीं तो कहीं से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ल्यूसेंट की बुक पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप कर सकते हो ल्यूसेंट जीके, ठीक है। और मैथ की बात करूं तो दोस्तों, मैथ में मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, एक एक क्वेश्चन की बना रखी है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर ना गया था और ना जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, हर पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत दमदार थे, टोटल 20 तो क्वेश्चन ही आए मैथ के। इस बार मैथ बढ़ सकता है, 25 भी जा सकते हैं, 30 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कोई रेशो निश्चित नहीं है मैथ का और रीजनिंग का, ठीक है। तो 20 से 25 क्वेश्चन आराम से, 25 भी जा सकते हैं, तो 25 से ज्यादा उम्मीद कम है होने की, ठीक है। तो अब हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, जैसे पिछले उसमें एग्जाम में, मतलब पिछला जो पेपर था उसमें नहीं था, जोड़ घटाने पूछ रखे थे 4-5 के, तो ठीक है। तो अब इस बार थोड़ा सा मैथ का जो पेपर हार्ड होगा वो मैथ में ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो मैथ के मैं सभी पेपरों के 3-4 जो क्वेश्चन थे हार्ड हार्ड, मैं उन सबको आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा कि ये भी कोई खास मुश्किल नहीं थे, अगर आप थोड़ा जोर लगाते। और बाकी आप अगर पूरा चैप्टर नहीं करना चाहते हो, वैसे तो एक बार बुक से पूरा चैप्टर कर डालो, हर चैप्टर को पूरा पूरा, जहां भी अटको, बुक आरएस अग्रवाल मैंने पूरी हल करवा रखी है अपने चैनल पे, आप देख लीजिएगा। और अगर उससे भी आप नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों, जो भी आपके पास बुक है उससे कर डालो, जिस क्वेश्चन पर अटको हर क्वेश्चन के टाइप मेरी हर वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। अभी आप अगर आपने वो चैप्टर पहले से ही कर रखा है, आपको लग रहा है कि हमारा बहुत अच्छा है वो, तो मैंने हर चैप्टर के चैप्टर वाइज, जैसे नंबर सिस्टम या एलसीएम एचसीएफ, सब पे रिवीजन की एक एक वीडियो बना रखी है। तो आप रिवीजन के हर वीडियो में 14-15 क्वेश्चन है, अगर आप वो चैप्टर के 14-15 क्वेश्चन कर लेते हो रिवीजन वाले, तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आपको बिल्कुल किताब उठाने की जरूरत नहीं है, अगर आप 15 क्वेश्चनों को उनको कर पाते हो बगैर देखे, ठीक है। तो बिल्कुल ये मैथ की तैयारी है आपकी, इस तरह से करोगे मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैं कहता हूं आपसे, मैथ पे वीडियो बनाऊंगा इन हार्ड क्वेश्चनों पे, और कुछ सजेस्ट करूंगा और क्या पढ़ना चाहिए आपको वो वीडियोस में, ठीक है। बाकी सारी चीजें शेड्यूल तैयार है दोस्तों, 5 से 6 घंटे आप डेली निकालो पढ़ने के लिए, अगर इतने आप निकाल रहे हो कोई टेंशन नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 5-6 घंटे डेली पढ़ने को दो, इससे कम पे काम नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। 150 वाला भी खुश होकर बैठ रहा है कि उसको मौका मिल गया, 250 वाला भी मेहनत कर रहा है, तो वो ये ना भूले और वो ये ना भूले। तो 150 वाले के पास चांस है कि वो बढ़ सकता है, अभी प्लस हो सकता है, लेकिन 250 वाला मायूस ना हो, क्योंकि उसका भी जब 250 लाया तो बहुत दम होगा, तो कितना भी खिसक ले वो 220 से नीचे वो नहीं जाएगा, इसलिए डरो मत, क्योंकि आप में बहुत दम है, ठीक है। और फिर मेरिट तो 200 से ऊपर जाने का, अब भी मैं कहता हूं, शुरू में मैंने कहा था, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। 200 प्लस हो तो आप सेफ हो, चाहे पेपर कहीं भी कितना भी बढ़ जाए, कैसे भी हो जाए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, बिल्कुल आपको समझ आ गई होंगी मेरी बातें, जो कहना चाहता था। ओके, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।